अपने जीवन में दुनिया को पीछे छोड़कर आगे जाना है तो अकेले रहकर ईमानदारी और प्रसन्न मन से अपने काम में लगे रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका साथ कोई नहीं देगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था? इस कहानी में क्या रहस्य है? इन बातों के रहस्यों को आज हम इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। क्या कोई इंसान स्वयं के अर्थ को जानना या समझना चाहता है तो वह इंसान अपनी नज़र में गलत है। हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो इसका मतलब तो यही होता है, जो स्वयं के अर्थ को जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं? स्वार्थी शब्द को समाज में अलग नज़रिए से देखा जाता है, समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास बहुत लोगों को देखते हैं जो हमारे नज़र में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा व्यवहार भी रखते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हुए और व्यवहार भी अच्छा रखते हुए हमेशा दुखी रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर यह सत्य है तो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों से अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, या फिर स्वार्थी बनकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए? अच्छे और सच्चे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? अगर हम इसके पीछे का कारण नहीं जानेंगे, कारण नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन बुराइयों की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार जन्म लेने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई जान लें, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अच्छा होने का दुख ना हो, पछताना ना पड़े। भगवान बुद्ध ने ऐसे 5 नियम बताए हैं जिस रास्ते पर चलकर इन 5 नियमों को अपनाकर अच्छे कर्म कर पाएंगे और दुख आपसे कोसों दूर रहेगा। एक गांव में सुमंत नाम का एक आदमी रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी थी। सुमंत के माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। सुमंत के बच्चे पढ़ाई में लगे रहते थे और सुमंत की पत्नी गृहस्थ कामों में भेड़ बकरी गाय पालकर उसका दूध बेचकर अपना घर चलाती, और सुमंत दिन रात खेती के कामों में लगा रहता। दिन भर काम करने के बाद वह थक हार कर जब घर वापस आता, अगर शाम के समय में उसे कोई मदद के लिए कहता तो वह तुरंत मदद के लिए चला जाता। वह कभी किसी के मदद करने के लिए मना नहीं करता, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। वह मन में यही सोचता, अगर मैं दूसरों की मदद करूँगा तो परमात्मा हमारा मदद करेगा। वह कभी हमें दुखी नहीं होने देगा और हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। सुमंत इसी उद्देश्य का पालन बहुत कड़ाई से करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास रखता था, अगर वह अपने काम में कहीं लगा रहता है, उस समय भी अगर कोई मदद मांग लेता है तो वह अपने कामों को अधूरा छोड़कर उसकी मदद करने चला जाता था। सुमंत के इस व्यवहार से उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। वह हमेशा सुमंत को समझाती रहती कि पहले अपना काम पूरा करो, उसके बाद किसी का मदद करने जाना, पहले अपने परिवार को देखो। हमारे 2 बच्चे हैं, इन लोगों का ख्याल रखने के बजाय तुम दूसरों के काम में लगे रहते हो, अपना घर तो संभलता नहीं और चले हो दूसरों की मदद करने। जब पत्नी की ऐसी बातें सुमंत के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में मानो कांटा सा चुभने लगता था और उन दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा का यही कारण होता था। ना तो कभी सुमंत अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी उसको समझाना बंद किया। इसी कारण से उसके घर में आए दिन झगड़ा क्लेश होता रहता था। और जहाँ तक गांव वालों की बात थी तो वे लोग सुमंत के स्वभाव को जानते थे। वह लोग जानबूझकर सुमंत को अपनी मदद के लिए बुला लेते। जो काम गांव का कोई भी व्यक्ति करने में सक्षम था वह भी अपने काम को आसान करने के लिए सुमंत को बुला लेता था। कहने का मतलब यह है कि गाँव वाले भी उसके शिष्टाचार का फ़ायदा उठाते रहते थे और पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते, उसे बेवकूफ़ भी कहते। एक दिन सुमंत की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। बीमार पत्नी का सेवा
सुमंत ने जो भी हो पाया उसने किया है। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर उसकी जांच करवाई, परंतु यह बीमारी वैद्य के पकड़ से बाहर था। वैद्य इस बीमारी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। वैद्य ने सुमंत को कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर किसी नगर में जाओ, किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तुम्हारी पत्नी का जान तभी बच सकता है। बहुत जल्दी नगर जाने का व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारे पत्नी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा सुनकर सुमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सी बीमारी होगी, उसको यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी का रोग बहुत बड़ा है। वह सोच रहा था कि गांव में किसी छोटे वैद्य से दिखाने के बाद हमारी पत्नी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बातों को सुनकर सुमंत घबरा गया। अब वह सोच रहा था कि नगर कैसे जाएं, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने पत्नी को किसी बैलगाड़ी में बैठाकर वह नगर तक ले जा सके, क्योंकि उसकी पत्नी अब चलने में भी असमर्थ थी। इसलिए बैलगाड़ी का व्यवस्था करना जरूरी था। उसके एक व्यापारी मित्र के पास एक बैलगाड़ी थी। व्यापारी बैलगाड़ी से अपने सामान को लेकर नगर जाया करता था। सुमंत के मन में यह विचार आया, क्यों ना हम अपने व्यापारी मित्र से बैलगाड़ी ही मांग लें, जिससे हम अपने पत्नी को लेकर किसी नगर में जा सकें। सुमंत मन में सोच रहा था, हमारा व्यापारी मित्र कभी हमें मना नहीं कर सकता है, वह हमारे एक बार कहने पर ही अपना बैलगाड़ी हमें दे देगा। सुमंत तुरंत पड़ोसी के पास पहुँचा और पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगा। पड़ोसी ने यह कहकर मना कर दिया, उसके दोनों बैल में से एक बैल काफ़ी बीमार है, जो कि बैलगाड़ी को लेकर जाने में सक्षम नहीं है। वह 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया है। पड़ोसी ने कहा, हाँ एक बात है, अगर तुम कुछ धन इकट्ठा कर लो तो हमारा एक मित्र है जिसके पास बैलगाड़ी है, मैं उससे बात करके तुम्हारी पत्नी को नगर ले जाने के लिए कह सकता हूँ। यह सुनकर सुमंत काफ़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके पास धन तो था नहीं। वह यह सोचकर परेशान होने लगा कि अब लगता है कि उसकी पत्नी नगर में नहीं जा पाएगी। वह काफ़ी उलझन में पड़ गया था। जब वह गांव से बाहर आया तो वह एक दृश्य देखकर अचंभित रह गया, क्योंकि जिस बैलगाड़ी को मांगने गया था उसी बैलगाड़ी को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं जा रहा था। जब सुमंत को कोई बात समझ में नहीं आई तो सुमंत ने उस व्यक्ति से पूछा, तो उस व्यक्ति ने बताया, यह बैलगाड़ी हमें व्यापारी ने किराए पर दिया है। यह सुनकर सुमन के दिल में दर्द सा महसूस होने लगा। उसका दिल एकदम से चकनाचूर हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह व्यापारी मित्र, जिसके कामों में मैं इतना मदद करता हूँ, वह हमारे साथ ऐसा करेगा। सुमंत के पास वक्त न होने की वजह से वह जल्दी जल्दी अपने घर लौटा और गांव में एक सेठ से पैसे उधार लेकर एक बैलगाड़ी मंगवाया और बैलगाड़ी में बैठकर वह तुरंत नगर में एक बड़े वैद्य के पास पहुंचता है और अपने पत्नी का इलाज करवाता है। जब इलाज चल रहा होता है तब वह सोचता है कि तब वह एक दिन था जब उसका व्यापारी मित्र बीमार था। वह उस व्यापारी मित्र के लिए रात रात भर वैद्य के पास बैठा रहता था, उस व्यापारी मित्र का सेवा करता था। जब एक बार व्यापारी कई दिनों तक व्यापार की वजह से नगर से घर नहीं आ पाया था तो उसने ही उनके परिवार का देखभाल कई दिनों तक की थी। सुमंत सोच रहा था, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसने बैलगाड़ी देने से मना कर दिया। वो अभी तब जब हमारी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आता है और सुमंत से बताता है कि तुम्हारी पत्नी को जो बीमारी हुई है वह एक ऐसी बीमारी है जिसे कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता, अब उसके पास कुछ ही क्षण बचे हैं। यह सुनकर सुमंत बदहवास होकर जमीन पर बैठ जाता है और सर पकड़ लेता है। अब उसकी कुछ ही क्षण में दुनिया उजड़ने वाली थी, अब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही क्षण बीतने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब सुमंत के कंधों पर दोनों बच्चों सहित गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन यहाँ पर सुमंत के सारे सिद्धांत टूट चुके थे।
उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अच्छा कर्म करने पर परमात्मा कभी साथ नहीं देता, बल्कि जो लोग बुरे हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका काम धंधा हमेशा फलता फूलता रहता है। और इस बात का हमसे बड़ा कोई और गवाह नहीं हो सकता है, यही बात हमेशा उसके विचार में चलते रहते थे। और इसी वजह से उसका मन संन्यास्त हो गया। इस लालची फरेबी धोखेबाज दुनिया से पूरी तरह से मन हट गया। और एक दिन ऐसा आया, सुमंत अपने बच्चों को रिश्तेदारों के हाथों सौंप कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव वालों से भी कुछ नहीं बताया। गांव वालों को यह नहीं मालूम था कि अचानक सुमंत कहां गायब हो गया। दीक्षा लेने के लिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। वह कुछ देर वहीं बैठ जाता है। जब महात्मा ध्यान से बाहर आते हैं तब वे सुमंत के चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हैं, अपने पास आने का कारण पूछते हैं। तब सुमंत अपने जीवन में घटित सारी बातें महात्मा को बताता है। सुमंत कहता है, हे महात्मा, मेरी इस दुनिया से दिल टूट चुका है, इसलिए मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। सुमंत कहता है, हे महात्मा, इस दुनिया में हमें कुछ नहीं मिला, तो ऐसी दुनिया में रहने का क्या मतलब, जहाँ सबके सब स्वार्थी हों, इसलिए मैं अब सन्यासी होना चाहता हूँ। महात्मा सुमंत की बातें सुनकर उसको उपदेश देना शुरू करते हैं और कहते हैं, एक बात ध्यान रखना बेटे, दुनिया से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक नहीं पहुंचा सकता है। तुम परम आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, और इस भ्रम में भी मत रहना कि तुम दुनिया से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें ऐसा लगता है, इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे, और इसी वजह से तुम सन्यासी होने का पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हमारा ईश्वर से पूरी निष्ठा से आस्था बन जाती है। महात्मा कहते हैं, क्या तुम्हारी पूरी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर सुमंत कहता है, महात्मा, मैं दुनिया को देख आया हूँ। इस दुनिया में जो बुरे कर्म करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो स्वार्थी होते हैं वही फलते फूलते हैं, और जो अच्छा कर्म करता है उसको परमात्मा दुख के सिवाय कुछ नहीं देता है, इसलिए मैं परमात्मा पर पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ। यह सुनकर महात्मा ने कहा, इसी बात को तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यास्त में लगाओ, उसके बावजूद भी तुम्हें पूरा फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए तुम्हें किसी की मदद करने के लिए 5 सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ। तुम इन्हीं 5 सिद्धांतों को समझकर घर वापस लौट जाओ और संसार में गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से समझ लेते हैं और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। महात्मा ने कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो, जो पहला सिद्धांत होता है उसे ध्यान में रखना होता है, और वह होता है किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त अपने दिमाग से यह बात निकाल देनी चाहिए कि वह भी हमारी मदद करेगा।
और दूसरी बात हमें ध्यान होना चाहिए कि उसके मदद करने के पीछे हमारा लालच ना जुड़ा हो। अक्सर हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमारा स्वार्थ, हमारा लालच उसके पीछे जुड़ जाता है और भविष्य में यह काम आएगा यह सोचकर हम उसकी मदद करते हैं, और ऐसी मदद करने से परमात्मा बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं करता। और तीसरी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी की मदद करनी चाहिए। हमें इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार का जीवन कष्ट में बीत रहा हो, क्योंकि सबसे पहले हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे, पत्नी, घर परिवार को सुखी रखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, उसके बाद किसी की मदद करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की मदद करने के पीछे अपने परिवार का देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, घर में भारी क्लेश बना रहता है, या कहीं ना कहीं हमें समाज में देखने को मिलता रहता है। और चौथी बात यह ध्यान में रखना है कि हमें अपना काम, अपना फर्ज पहले निभाना होता है, और हम अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरों की मदद के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा हमारा मदद नहीं करता है तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तब हम यह सोचते हैं कि हमने तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद की, लेकिन वह हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए अपने कर्म को अपने बच्चों, पत्नी, कारोबार के प्रति सर्वोपरि रखो, क्योंकि वही जिम्मेदारियाँ तुम्हें पूरा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और पांचवा बात यह है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्म है कि हम अपने परिवार का देखभाल और अपने कारोबार को ईमानदारी से आगे बढ़ाते रहें और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि परमात्मा की यही मर्जी थी। अपने दिमाग के अंदर यह रखो कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। करने वाला तो वही है जिसके आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। जब यह आस्था, यह विश्वास हमारे मन में जन्म लेने लगती है तब हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि संसार में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। हमारी बुद्धि हमारे इस वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ सके, परंतु जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर यह एहसास जरूर आपको दिलाता है कि जो भी हुआ था अच्छा हुआ था। इसलिए मन की सारी शिकायत दूर कर दो और अच्छे कर्म में लगे रहो। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझो, इसके बाद ही तुम्हारे जीवन में सन्यास्त का उदय होगा, और तभी सन्यासी की नींव रखी जा सकती है। महात्मा ने कहा, सुमंत तुम घर वापस जाओ और दूसरी शादी कर लो, अपने बच्चों को अपने पास रख लो और उन लोगों का अच्छे से पालन पोषण करो। यह सुनकर सुमंत अपने गांव वापस चला आता है और अपने बच्चों को घर वापस लाता है। गांव वालों को यह पता नहीं होता है कि सुमंत कहां पर गया था। वह जब ज्ञान लेकर घर लौटता है, जब सुबह गांव वाले सुमंत को देखते हैं तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेले रहकर अपने जीवन को सुधारो, दूसरों के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपने काम को खुश रहकर करो और अपने दिमाग को शांत रखकर स्थिति को सुधारो। दोस्तों, हम अगली कहानी में जानेंगे कि मन को शांत कैसे करें। हमें अपने चंचल मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और इधर उधर भटकता रहता है। गौतम बुद्ध ने मन को शांत करने के उपाय इस कहानी में बताए हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है, यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं। मन को शांत करने का क्या तरीका है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, हे महात्मा, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए,
जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते रहते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की तरफ देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता और कहता है, हाँ। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी। भगवान बुद्ध लड़के से कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो जिसे तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक उसी प्रकार इस चंचल मन का स्वभाव भी होता है ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियाँ कर्म और ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से कि तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन में आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आँखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर को हटाकर भीतर के सुर को सुनो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर की शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कान को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।